नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किडनी फेलियर पेशेंट को कौन सा पानी पीना चाहिए। अक्सर जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट ओपीडी में आता है, मिलता है, तो पहला सवाल उनका ये होता है कि मैं पानी कितना पीऊँ। जब हम बताते हैं कि पानी आपने एक कप पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना है, तो अगला सवाल क्या होता है कि डॉक्टर साहब मैं पानी कौन सा पीऊँ। अभी पानी कौन सा का सवाल का जवाब देना ना बड़ा कठिन हो जाता है, तो मैं इस वीडियो से कोशिश करूँगा कि आप सभी को समझा सकूँ कि ये किडनी फेलियर पेशेंट के लिए कौन सा पानी सही रहता है। जब हम कोई पानी पीते हैं तो हमने जगह जगह पे पानी का टेस्ट बदलता चला जाता है, कहीं पानी थोड़ा खारा होता है, कहीं थोड़ा मीठा होता है। ये जो पानी का जो टेस्ट में फ़र्क आता है वो उसमें प्रेजेंट सॉल्ट की वजह से होता है, किसी में कैल्शियम ज़्यादा है, किसी में मैग्नीज ज़्यादा है, तो ये जो सॉल्ट उसके अंदर एडिड होते हैं नेचुरल वे में, उससे पानी का टेस्ट बनता है। इसी वजह से कुएं का पानी का टेस्ट अलग होता है, नदी के पानी का टेस्ट अलग होता है, वाटर सप्लाई का पानी का टेस्ट अलग होता है, क्योंकि उनमें इन्हीं मिनरल्स का फ़र्क आ रहा होता है। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी को समझने की कोशिश करो कि उसकी बॉडी में किडनी कम काम कर रही है। अब हमें अपने आप से सवाल पूछना है, क्या हमने इन मिनरल्स को बॉडी में जाने देना है या नहीं जाने देना। तो मिनरल्स बॉडी में जाएँ उसे कोई ख़ास दिक्कत देखने को नहीं मिलती। अगर आपके पानी के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। मगर कभी कभार क्या होता है कि जब पेशेंट ग्राउंड वाटर पी रहा होता है, यानी बोरिंग का पानी पी रहा होता है, तब पेशेंट के अंदर अलग टाइप की दिक्कत देखने को मिलती है। क्योंकि ग्राउंड वाटर के अंदर, क्योंकि ज़मीन से निकल रहा है, ज़मीन में जितना भी सॉल्ट है वो सारा का सारा उस पानी में आता है, तो उसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा भारी चल रहा होता है, खाने को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही होती है, मेडिसिन को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही होती है। पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से बीपी पे थोड़ा सा उसका फ़र्क देखने को मिलता है कि बीपी थोड़ा सा एलिवेटेड हो सकता है, कि अगर उसके अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हमें तो पता नहीं है कि हमारे पानी में क्या ज़्यादा है और क्या कम है। हम उसका TDS चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना सॉल्ट है, बट ये नहीं निकाल सकते कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा है और कौन सा सॉल्ट कम है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप अगर किडनी फेलियर का पेशेंट हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपना RO लगवाएं और RO का पानी का इंटेक करें। मगर अक्सर हम सुनते हैं कि RO के पानी से तो ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इसमें कैल्शियम नहीं होता, इसमें मैग्नीज नहीं होता, इससे और बीमारियाँ होती हैं। मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट को ये समझना चाहिए कि हमने अपनी बॉडी के अंदर फ्लूड की मात्रा को पूरा करना है, ना कि इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को पूरा करना है। इलेक्ट्रोलाइट यानी जो सॉल्ट की जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे खाने से हमारे साथ चले जाएंगे। जब हम रोटी खाते हैं, किससे बनी होती है? गेहूं से बनी होती है। अब गेहूं के छिलके में कितने मिनरल्स होते हैं, आप हम पढ़ते हैं ना कि इसके अंदर आयरन ज़्यादा होता है, इसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है उसके छिलके के अंदर। तो जब हमने गेहूँ खाई, जब हमने आटा खाया, तो उसके साथ जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। इसी तरह से जब हम चावल खा रहे हैं या फिर हम कोई और फ्रूट खा रहे हैं, हम कोई वेजिटेबल खा रहे हैं, तो उसमें नेचुरल तरीके से जो मिनरल्स हैं वो बॉडी में चले जाते हैं। उसको पानी से पूरा करने की हमें खास ज़रूरत नहीं होती। मगर हमने ध्यान के रखना है, क्योंकि हम किडनी के मरीज़ हैं, हमने किडनी में कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना, हमें अपनी बॉडी में कोई और नई बड़ी बीमारी नहीं चाहिए, तो हम अपने पानी को जितना हो सके साफ लेने की कोशिश करेंगे। कम TDS वाला पानी यानी RO वाला पानी हम प्रेफर करते हैं। जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा शंका होती है, वो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप RO का पानी लीजिए, उसे अपने घर के अंदर जो घड़ा होता है, मटका जैसे हम कहते हैं, मिट्टी का बना होता है, आप उसमें पानी को डाल दीजिए। अब जो मटका है वो बना है मिट्टी से, उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स होंगे ना, जब हम पानी उसमें डालते हैं तो पानी मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो सॉल्ट है मिट्टी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट यानी पानी में आ जाते हैं। यानी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी, जो आपको टेंशन होती है कैल्शियम मैग्नीशियम, वो दिक्कत भी आपकी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अब जो गया है वो कंट्रोल्ड वे में गया है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने पानी को जितना हो सके साफ रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पानी से और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। टाइफाइड सबसे पहले, अगर आप पानी खराब पी रहे हैं, गंदा पी रहे हैं, तो अगर आपको बुखार होता है, टाइफाइड होता है, तो एक बीमारी के ऊपर दूसरी बीमारी। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है वो है वॉर्म्स की, पेटों में कीड़े पड़ जाना। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, बड़ों के पेट में भी कीड़े देखने को मिलते हैं, वॉर्म इन्फेस्टेशन देखने को मिलती है। तो हमने इसका ध्यान रखना होता है कि ऐसी बीमारी यानी पानी से होने वाली बीमारी जब तक हमारी किडनी की दिक्कत है साथ में ना हो, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर जरूर हो जाता है, और ऐसे में कोई और बीमारी हमारी ही गलतियों की वजह से होगी तो उसमें भुगतान भारी करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है किडनी फेलियर पेशेंट की, पानी हमें कौन सा लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेने चाहिए। इसके बारे में आपको इस वीडियो के एंड में लिंक दूंगा, जिस पर आप जाके समझ जाएंगे कि किडनी फेलियर पेशेंट को पानी कितनी मात्रा में पीना चाहिए।
अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिलें, उनकी वीडियोस देखें, उनकी रिपोर्ट्स देखें, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से साइंस संजीवनी में, श्रेयास में किडनी फेलियर पेशेंट की मदद की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन का लेवल 13 से डाउन करते हुए लेकर आए 0.4 पे। जब भी हमारे पास आए तो इनका डायलिसिस भी हो रहा था और इनको और टाइप की भी दिखती थी। तो अब चलते हैं नवमीश जी की बात, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो नवमीश जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये तो जो टेस्ट कराया था मैंने 8 मार्च को। तब लेवल कितने थे? 13.3। तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम? हाँ जी, खाना नहीं खाते थे, मतलब रंग पीला हो गया था। हाँ जी, चलना फिरना दिक्कत आ रही थी। तो फिर डायलिसिस करवाया था आपने? नहीं, भर्ती हुआ था। भर्ती हुए थे? हाँ, भर्ती होने के बाद डायलिसिस हुआ। तो जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए थे तो आपको कितनी बार डायलिसिस होता था? 8 महीने में 1 बार। 8 महीने आपने डायलिसिस करवाया है? तो कितनी बार हफ्ते में होता था डायलिसिस आपका? हफ्ते में तो एक बार ही होता था। हफ्ते में एक बार डायलिसिस आपका चल रहा था जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए, ठीक है? तो तब लेवल क्या इतने रहते थे डायलिसिस से पहले वाले? 10 चल रहा था, 10 के आसपास रहता था। और उसके बाद आपको क्या बदलाव नजर आया? कितने महीने हो गए पहले ये बताओ, साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते कितने महीने हो? मैं 28 जुलाई को यहाँ पे आया था। 28 जुलाई को आए थे और निकाल से 4 महीने हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चौथा महीना अभी शुरू होगा। इन 3 महीने के अंदर आपको अपने अंदर क्या बदलाव नजर आया? मुझे बदलाव 60% आया। 60% डायलिसिस आपका हो रहा है? डायलिसिस 7 अक्टूबर को बंद हो गया। 7 अक्टूबर को डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आता है आपका? क्रिएटिनिन लेवल 0.4। ये नवमीश जी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 29 अक्टूबर की। इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन लेवल 0.4 है, जो कि नॉर्मल से भी बिलो जा रहा है। ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो हमने 13 से जननी शुरू की, फिर वो 10 पे आया, हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता था, ये सब कुछ हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर किया। इनकी अगर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें तो इनकी किडनी श्रिंक आती है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई थी। और जैसे जैसे हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट की, इनकी किडनी ने ही काम करना शुरू किया, इसलिए इनका डायलिसिस कम हो गया। क्योंकि देखिए, समझिए, खून तो गंदा हर टाइम होगा ही होगा। अब खून को साफ करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम पेशेंट की किडनी से खून को साफ करें, या फिर हम डायलिसिस से करवाएं। अगर हम डायलिसिस पर जाते हैं तो हम अपनी किडनी को छोड़ देते हैं, किडनी भी कोई काम नहीं करती, किडनी को कोई मेडिसिन नहीं देते, जिसकी वजह से किडनी अगर हम काम नहीं करते तो पेशेंट को लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। मगर जो पेशेंट डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस के ऊपर किडनी को चूज़ करते हैं कि चलो किडनी भी कोशिश करते हैं, किडनी थोड़ा सा काम करना शुरू करें, तो हमें ऐसे नवमीश जी जैसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर किडनी पहले की तरह काम करना शुरू करती है। अब इनकी सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं आ रहा, किसी टाइप की डायलिसिस की जरूरत नहीं हो रही। पिछले से 1 महीने 2 महीने हो गए डायलिसिस आप? हाँ जी, 2 महीने से इन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये तब हो पाता है जब हम अपनी किडनी को किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी को थोड़ा सा मौका देते हैं काम करने का। अब नवमीश जी ने मेडिसिन के साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी रखा होगा? हाँ जी, मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन चल तो अभी चल रही है, खाने पीने में परहेज किया था? हाँ जी, परहेज अच्छे से किया था, प्रॉपर तरीके से परहेज। अभी आपने और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा? बीपी का ध्यान रखा था अपना? बीपी का ध्यान रखा था? हाँ जी, बीपी का ध्यान। तो हमें ना सिर्फ मेडिसिन का ध्यान रखना होता है, हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब वो किडनी का इलाज शुरू करते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, घिया तोरी टिंडिया खाना शुरू कर देते हैं सिर्फ, वो भी उबला हुआ हल्दी नमक के साथ। ऐसे पेशेंट जो सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहे होते हैं, उनकी कंडीशन और ख़राब होती चली जाती है। कारण क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी किडनी को भी ताकत नहीं मिल पा रही। अगर आपने किसी चीज़ को ठीक करना है बॉडी के अंदर तो उसे खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सही तरीके से बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर किडनी को ठीक कर पाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो नवमीश जी, आप बाकी जो किडनी के मरीज़ हैं उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं तो एडवाइस ये करना चाहूँगा, साई संजीवनी हॉस्पिटल में आएँ और अपना इलाज कराएँ। चलिए, थैंक यू जी, आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे हमारे साथ, और ऐसे जितने हम पेशेंट की जितनी मदद करें हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत हमारा प्रोटीन यूरिन में आ रहा है वो आने वाले कुछ एक टाइम में बंद हो जाए और आपको हर टाइप की दवाइयों से, इलाज से छुटकारा हो।